कि अगर 13.5 है, ये 14 है, 14 है, तो इसमें ये प्ली रखी है इस बार इन्होंने कि जनता का पैसा क्यों दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनता का पैसा ना, या मिनिस्टर जनता द्वारा इलेक्टेड है, जो सिद्धांत के साथ देखा जाए तो वो पैसा जनता का है। बिल्कुल, तो अगर 13.5 है, अगर हम 13 ही रखें तो 500 के कारण जनता का इतना पैसा लगता है उसको। बिल्कुल, जब राजनीतिक बनता है उसको एक उसको एक अच्छा बड़ा घर दिया जाता है, जनता का पैसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल की और उसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया और मुख्यमंत्री सहित 13 और मंत्रियों को जो है वो शपथ दिलाएगी। लेकिन इसके साथ ही हाईकोर्ट में एक रिट डाली गई जिसमें कहा गया कि लगभग 15% जो है मंत्री है वो बनाए जाते हैं, तो कुल जो विधायक होते हैं उनमें से 15% को ही मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो मंत्रियों की संख्या चाहिए थी वो 13.5 चाहिए थी, जबकि हरियाणा में 14 मंत्री जो है उनको शपथ दिलाई गई। इस बात पर हाईकोर्ट में रिट डाली गई और 13 नवंबर को हरियाणा का विधानसभा का पहला सेशन होने वाला है, उसमें क्या कुछ हो सकता है, इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं स्वास्तिक शर्मा जी, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा वो एक पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि ये सब घटनाक्रम कैसे बैठ सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जिंदर जी। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल बन गया, सब काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक रिट डाली जाती है कि जो मंत्री बनाए जाते हैं वो 15% ही बनाए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनाए जा सकते हैं। और अगर बात करें संख्या की, तो हरियाणा में जो संख्या है वो ज्यादा हो रही है और उसमें से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मंत्री जो है उसकी कुर्बानी दी जा सकती है, किसी एक व्यक्ति को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। अब किसको हटाया जाएगा ये तो हाईकमान ही तय करेगा, लेकिन जब किसी भी मंत्री को हटाया जाएगा तो जो हाईकमान है वो किस तरह का रुख अख्तियार करेगा, किस तरह का उनका जो क्राइटेरिया होगा किस तरह का होगा? जैसे ही कैबिनेट बनी, आप ये बताइए क्या सरकार ने जो कैबिनेट बनाई उनको नहीं पता होगा कि ये मुख्यमंत्री के साथ जो एक मिनिस्टर एक्स्ट्रा बना रही है? जी बिल्कुल पता होगा। अगर आपको पता, हमें पता, कोर्ट को पता, सबको पता, उनको ही पता होगा, फिर भी रिट डाली गई। ये हिंदुस्तान के संविधान ने के 91 संशोधन में, पहले मिनिस्टर बहुत हो गए थे, होते थे उससे पहले, तो संशोधन करना पड़ा कि इससे होता है कि पहले 20-20 30-30 मंत्री थे, बनते थे, जनता का पैसा बहुत व्यर्थ होता था क्योंकि मिनिस्टर ने अपनी जेब से, वो जनता का पैसा होता है। तो फिर एक संशोधन हुआ तो उसमें यह कहा गया कि किसी भी स्टेट की जो असेंबली है ये नेशनल में भी लागू होता है, लोकसभा में भी लागू हो रहा है, कि उसके 15% मिनिस्टर बन सकते हैं जी। तो उसके हिसाब से सभी स्टेटों की अलग अलग संख्याएं होती हैं, उसके हिसाब से अगर हरियाणा की देखा जाए, हरियाणा की जो संख्या बनती है 13.5 बनती है। बिल्कुल ठीक है। यानी जो याचिका एडवोकेट जगमोहन भट्टी जी ने दायर की है, ये इन्होंने पहले भी की थी तो 13वीं 14वीं विधानसभा में की थी, लेकिन वो खारिज हो गई थी। अच्छा, खारिज हुई थी, लेकिन फिर इन्होंने की है। और उस इस याचिका को कोर्ट किस तरीके से देखता है, अभी 19 दिसंबर को कोर्ट ने टाइम दिया है कि इस पर हम बातचीत करेंगे। अच्छा। उसमें सरकार भी अपनी तरफ से तथ्य रखेंगे, जबकि याचिका ने जो जितने बनाए हैं याचिका जो है पट्टी जी ने, सारी दूसरी पार्टी सभी मिनिस्टरों को बनाया और केंद्र सरकार को बनाया कि इसमें हमें जवाब दिया जाए, रिप्लाई दिया जाए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब इसमें दो बातें आती हैं जो आपको बता रहा हूं, बहुत सीधा बात है, अगर 13 होते तब भी बात समझ आती थी, 14 होते तब भी बात समझ आती थी। ये 13.5 है ना, जो ये त्रिशंकु की तरह, जब भी हम कभी, आपने देखा होगा कि जब परसेंटेज होती है, जब हाफ या हाफ से अप हो जाती है तो उसको नेक्स्ट वाली मान लिया जाता है, क्योंकि इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि 13.5 है उसको हम 14 मान सकते हैं। हम नहीं, कोर्ट कह सकती है ये 14 में भी आते हैं
और 13 में भी आते हैं, ये देखना कि जज किस तरीके से फैसला करता है। अगर 13 होते, अगर 14 बना दिए, फिर तो कहते एक ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो इसमें पॉइंट्स 5 में है। हाँ, अगर इस जजमेंट में याचिककर्ता ने कोई ऐसा तथ्य रख दिया, आपने देखा थोड़ी देर पहले सीपीएसओ का मैटर आया था कोर्ट के अंदर, महाराष्ट्र हिमाचल में भी, तो उन्होंने एक सबकी सीपीएस रद्द कर दी थी। अब इस चीज में 13.5 में बहुत चीजें आती हैं जी, तो बिल्कुल न्यूट्रल है, इधर भी पक्ष जा सकता है उधर भी जा सकता है, लेकिन एक कहानी में फंस गए हैं। और सबसे बड़ी जो एस्टम जो कंफ्यूजन है वो सभी मिनिस्टरों के ऊपर है। इस याचिका का फैसला ना आप को इतना होगा, ना हमें इंटरेस्ट होगा, जितना मिनिस्टरों को होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, वो तो क्योंकि उनके ऊपर तलवार लटक रही है। अगर ये हल्का सा भी इधर को घूम गया तो वो तलवार किसके गर्दन पर जाएगी, जबकि सरकार अपना पक्ष रखेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहस के दौरान कोई ऐसी चीज निकल कर आ जाती है, कोई ऐसी चीज निकल कर आ गई उस कंडीशन के अंदर हरियाणा में जो मौजूदा एमएलए मिनिस्टर बने हैं उनके ऊपर। और उसका आपको बताता हूं क्यों होगा कि अगर 13.5 है ना, ये 14 है, 14 है, तो इसमें ये प्ली रखी है इस बार इन्होंने कि जनता का पैसा क्यों दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जनता का पैसा ना, ये मिनिस्टर जनता द्वारा इलेक्टेड है, जो सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो वो पैसा जनता का है। बिल्कुल, तो अगर 13.5 है, अगर हम 13 ही रखें तो 5% के कारण जनता का इतना पैसा लगता है उसको, हम बिल्कुल जब मंत्री बनता है उसको एक उसको एक अच्छा बड़ा घर दिया जाता है, जनता का पैसा लगता है। अब इसमें इस कंडीशन में होगा, मैं आपको बताता हूँ, अगर तो इसमें ये भी हो सकता है, जज ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट देखिए कि एक मंत्री का जो खर्चा है उसको खजाने पर असर तो नहीं पड़ेगा, यह भी होता है ना, क्योंकि अगर खजाने पर असर पड़ेगा उसको फिर विड्रॉ करना पड़ेगा मिनिस्टर को एक, और फाइनेंस सेक्रेटरी की राय पूछ सकते हैं, अगर वो कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो फिर उसको एज इट इज भी रख सकते हैं। लेकिन यह बहुत बड़ी बात है, और अगर ऐसा भी फैसला 1% आता है, देखो सरकार को अगर कोर्ट में याचिका डाली है तो दोनों फैसलों में अवेयर रहना चाहिए। वहां पर यह भी हो सकता है वो कहते 14 ठीक है, 13.5 हो सकता है, कोई बात नहीं है। अगर उन्हें कहते नहीं जी हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे, हम नहीं मानेंगे 13.5 को, 13 ही मानेंगे हम, उस कंडीशन के अंदर मिनिस्टरों पर, एक मिनिस्टर पर गाद घिरेगी घिरेगी, और उसमें हाईकमान फिर डिसाइड करेगा, पूरा क्राइटेरिया बनाकर एक एक का पोर्टफोलियो देखेगा, एक एक पिछली हिस्ट्री देखेगा कि क्या है, एक एक को फोकस करके फिर एक के ऊपर रिजाइन करना पड़ेगा। मतलब किसी एक पर अगर ये फैसला थोड़ा सा भी इधर हो जाता है, इधर उधर हो गया, हाँ क्योंकि तो इसमें आपको बता दूं उसमें गवर्नमेंट पिछले तो दो फैसले खारिज हुई है ना हाई कोर्ट की, तो उसको भी देखेगा। अब इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जब तक फैसला नहीं हो रहा कुछ केस है उसमें इनके लाभ के जो है उसको इनको जो फायदे मिल रहे हैं उसको बंद किया जाए, ये भी क्या, अगर कोर्ट ने ये भी किया तब भी कैसा नहीं। यानी हम ये कह सकते हैं स्मूथ गाड़ी चल रही है, लेकिन उसके अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया। अब ऑब्स्टेकल कितना भारी होगा ये भविष्य बताएगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो मिलने वाली उनको मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे रोक लगा दी जा सकती है। हाँ, कोर्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अधिकार क्षेत्र है जी। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस और इस बात का फैसला विधानसभा में होगा, कोई भी अगर डिस्कस करने होगा कोर्ट के अंदर विचारधीन फैसला है। हाँ चलो इसी पे बात करता हूँ कि अभी विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला डॉक्टर साहब 13 तारीख को, तो किस तरह का सिनेरियो बन सकता है वहां पे? देखो हरियाणा अभी तक बात करूंगा तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपना जो नेता है वो ऑपोजिशन का नेता अभी तक चुना ही नहीं उन्होंने, तो उसके लिए कैसा सिनेरियो बन सकता है इस बार? देखो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना, ये विपक्ष का काम है विधानसभा का, बिल्कुल नहीं विपक्ष का काम है, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन तो विपक्ष की होती है, विपक्ष के बिना विधानसभा सेशन का तो मायने नहीं होते ना। देखो अकॉर्डिंग टू रूल बनाना चाहिए, नहीं तो जनता के मन में ये मैसेज आएगा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री कैसे बनाना था इन्होंने? बिल्कुल, अगर मेजोरिटी में कांग्रेस आ जाती तो अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इतना कलेश पड़ रहा है तो मुख्यमंत्री में कितना पड़ना था। यानी कांग्रेस को इस कंडीशन में अपनी छवि को ठीक रखने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट करना चाहिए। चलो इसी में मुझे एक सवाल और निकलता है दिमाग में, डॉक्टर साहब कौन हो सकता है नेता, अगर आपको क्या लगता है, क्योंकि गुटबाजी तो है।
देखो जो मौजूदा स्थिति है हरियाणा की, ये एनालाइज कर रहा हूं मैं कि ये इस बार अगर मेरे दिमाग से सोचे, यानी मेरे एनालाइज के साथ सोचा जाए, तो इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन नॉन जाट बनेगा। अच्छा, नॉन जाट, नॉन जाट में से आप कुछ इशारा तो मैं आपका समझ पा रहा हूँ, पर आप पब्लिक को कुछ नाम बता पाएंगे? देखो ये इंटरनल मामला है, लेकिन इतना ही बहुत है पब्लिक के लिए, नॉन जाट हो सकता है। हाँ, नॉन जाट हो सकता है। और नहीं, कौन से गुट से हो सकता है? भूपिंदर सिंह हुड्डा, भूपिंदर हुड्डा ग्रुप से हो सकता है क्या? देखो मैं बताता हूँ, कांग्रेस ग्रुप से हो सकता है। इतने गुट हैं कांग्रेस में, ये हुड्डा साहब खुद ही कह सकते हैं कि अगर नॉन जाट माना तो आप किसी हो, मेरे ग्रुप उसके ग्रुप में भी नॉन जाट होंगे, उनका नाम बोल देंगे, उनके दोस्त हो गए वो उनको बना देंगे। अच्छा, ये गुट विजन में गुट में बटी हुई है, तो उसमें सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है। विधानसभा सेशन जो है उसका सिनेरियो कैसा रह सकता है? सिनेरियो तो है कि पहली बार विधानसभा सेशन हो रहा है, गवर्नर का अभिभाषण होगा, उसके बाद में जो किसानों के मुद्दे हैं ना उसके बारे में, क्योंकि अभी इतने दो मिन्ना की हुआ अभी तो एक महीना ही हुआ, तो उसमें वो मुद्दे होंगे, लेकिन ये मुद्दा जरूर उठेगा मंत्रियों वाला। अच्छा, पर उसमें सभी ये कह देंगे, मुझे ये भी पता उठेगा और क्या कहेंगे स्पीकर, ये भी बता देता हूँ। अच्छा, स्पीकर ये कहेगा ये जी अपने न्यायपालिका में विचारधीन है, इसलिए विधानसभा में ये मैटर डिस्कस नहीं हो सकता, वो ये बात कहेंगे, लेकिन ये मुद्दा उठेगा, उठेगा ये मुद्दा उठेगा, और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। अब इनका वो भी देखना कितना टाइम का सेशन है, ये भी है। बाकी मुद्दे देखो, फर्स्ट है कि आज इनकी विधायकों की ट्रेनिंग भी हो रही है नए विधायकों की, ये सारे मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे ये, लेकिन तभी उठाएंगे जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई होगा। अच्छा, एक बात और है भी, हरियाणा में जो इलेक्शन हुए, एक एग्जिट पोल था जो बड़ा जोर शोर से सब लोग, सारे चैनल्स, सब एग्जिट पोल पूरी तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के हक में जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जैसे ही रिजल्ट आता है सिनेरियो सारा चेंज हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ जीतती है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है और कई सारी और स्टेट्स में उपचुनाव है, तो महाराष्ट्र तो आप अक्सर जाते रहते हैं, महाराष्ट्र में पिछले दिनों आप जब आपकी और महाराष्ट्र में थे, तो किस तरह का माहौल बन सकता है और हरियाणा के इलेक्शन से कैसे अलग हो सकते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शन? देखिए हरियाणा का इलेक्शन डिफरेंट है, महाराष्ट्र का डिफरेंट इलेक्शन है जी। आप हरियाणा को झारखंड से कंपेयर कर सकते हो जी, उत्तराखंड से कंपेयर कर सकते हो, हिमाचल से कर सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं कर सकते। नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ और आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि बाकी जगह उपचुनाव है, इसलिए मैंने जी जो ये बेल्ट है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा दर्शकों को भी जी, उनको ही मजा आएगा ये सुन के। हाँ, मैं चाहता हूँ मजा जरूर आएगा। अच्छा, हम सब क्रिकेट देखते हैं जी, जो हरियाणा की पिच है वो स्पिन पिच है, हरियाणा में स्पिनरों का ज्यादा था, बीजेपी ने स्पिनर लिए, फास्ट बॉलर कम थे, कोई फास्ट पिच नहीं है, स्पिनर में ऐसा हुआ खट्टा सामने बॉल गिरी ऑफ स्टंप पर, टप्पा पड़ा, हुड्डा साहब आगे निकल गए छक्का मारने को और एकदम टर्न करके लेग स्टंप उठा के ले गई, और कांग्रेस सोच लिया कि मैं आउट कैसे हो गया, पैर से बीच में निकल गई। लेकिन महाराष्ट्र की फास्ट पिचें हैं, वहां पर बॉल 140 की स्पीड से आएगी, पेसर चाहिए, पेसर, वहां पर स्ट्रेटजी बीजेपी के अलग होगी, अगर हरियाणा वाली करे गए वहां पर हार जाएंगे। हरियाणा के अलग मुद्दे थे, महाराष्ट्र के अलग मुद्दे है, हरियाणा के लीडर और है, महाराष्ट्र के और है, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम निर्भर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, महाराष्ट्र को बीजेपी ने आज तक कभी भी अनसीरियस नहीं लिया, क्योंकि आरएसएस की लॉबिंग बड़ी मजबूत है वहां पे अगर देखा जाए तो। हाँ, अब वहां का सिनेरियो था, मैं महाराष्ट्र में गया था, नागपुर भी गया था, वहां पर सिस्टम डिफरेंट है, वहां पर आप देखो, मैंने आपको पहले भी अपर किया था कि गुजरात लोग भी और महाराष्ट्र लोग भी आमने सामने, और उद्धव ठाकरे का रोल बहुत बड़ा होगा वहां पर, दो ग्रुप बने हैं, एक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार और राज ठाकरे, दूसरी तरफ है कांग्रेस और उसके बाद उद्धव ठाकरे, ठीक है जी, और शरद पवार। अब ये तीनों दोनों जो टीम में फास्ट बॉलर है, यहां पर स्पिनर लेंगे नहीं चलेगा, तेज बॉलें आएंगी। अब बीजेपी की यहां पर रणनीति डिफरेंट होगी, और आपने देखा होगा कि वहां पर मोदी जी अमित शाह जी की रैलियां कम हो रही है। बिल्कुल ठीक, वहां पर वहां के लीडरों की हो रही है, बिल्कुल, फडणवीस जी की, एकनाथ शिंदे की, गडकरी जी की रैलियां, सबकी रैली ज्यादा हो रही है, यहां का डिफरेंट था वहां का डिफरेंट, इसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो वहां का जो मुद्दे डिफरेंट है
क्योंकि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी चूकती है, यानी बीजेपी का फाइनल मैच कह दो, महाराष्ट्र प्रांतों में फाइनल मैच है ये था मैच 2020 हरियाणा वाला झारखंड वाला, ये वनडे है, वनडे ये वहां पर वो बंदा टिकेगा जो टेक्निकल भी होगा और पेसरों को फेस भी करेगा और पिच को बचा के भी रखेगा विकेटों को, वो वहां पर कर सकता है। वहां का सिस्टम डिफरेंट, वहां पे मुद्दे लगे हैं, वहां पर मुद्दे बहुत है, उद्योगों के, बॉम्बे का अलग मुद्दा है, तो वो सबसे बड़ी बात वहां पर ये है, किसानों का बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पे, नहीं किसानों का, इंडस्ट्रीज का मुद्दा बहुत, किसानों का मुद्दा भी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में बहुत बड़ा मुद्दा है। एक सबसे बात है कि जो उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि बाला साहब का एक बहुत बड़ा वजूद रहा है, वजूद है नो डाउट, एक बहुत तगड़े लीडर हिंदुस्तान के, मैं उनकी व्यक्तिगत तौर पर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यानी मैं हमेशा कहता हूं कि बाला साहब ठाकरे शिवाजी का दूसरा रूप है, लेकिन उनका जो राजनीति करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। अभी आपने देखा होगा वीडियो जो आपने पिछली बार महाराष्ट्र इलेक्शन जो विधानसभा का था उसमें बाला साहब ठाकरे के ऊपर मैंने बनाई थी वीडियो इसी चैनल से, महाराष्ट्र में देखी गई थी। हाँ बिल्कुल, तो बनाई थी पूरी तथ्य रखा उन्होंने। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर कांग्रेस से जिस दिन गठबंधन होगा उस दिन मैं दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन वो अब उद्धव ठाकरे जी उनके लड़के हैं, अब कांग्रेस ये कितना होगा इफेक्ट पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात है ये कुछ हद तक होता है, अब जो पिछले आप इलेक्शन देना बीएमसी के इलेक्शन जो हुए हैं उसके अंदर ये जो ये दूसरा ग्रुप है कांग्रेस उद्धव ठाकरे वो सीटें ज्यादा लेकर गए हैं, विदर्भ के अंदर सीटें ज्यादा लेके गए हैं, तो ये ऑन द होल इलेक्शन एक चैलेंजेबल इलेक्शन है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी अभी आपने एक बात कही कि वहां की जो इलेक्शन है उसमें महाराष्ट्र लॉबी और गुजरात लॉबी वो आमने सामने होंगे। फिर मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों को ये भी चीज थोड़ा सा स्पष्ट बता दें कि ये जो महाराष्ट्र लॉबी और गुजरात लॉबी है इनकी आपसी तालमेल कैसा है? देखिए तालमेल तो पूरी दुनिया को पता है, ये सबको पता कि क्या तालमेल है इनका जी, लेकिन इतना दूर है क्योंकि ऐसे होता है कि जो महाराष्ट्र है सदियों से बीजेपी में डोमिनेंट रहा है दूसरे सीटों पर जी, गुजरात अभी आगे गया। ठीक है, अब जो उनकी दिक्कत ये है बॉम्बे में बताता हूं मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कहते हमारे दो मेजर इंडस्ट्रियल प्लांट थे जो गुजरात चले गए, ये भी मुद्दा उठाया कि इधर से जा रहे हैं, तो वो ना अनकंफर्टेबल आरएसएस है। अब आरएसएस का तो हमने इतनी वीडियो बनाई आपके साथ बैठकर यहाँ पर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मेरा ये मकसद था कि कहीं ना कहीं इस समय हाईकमान जो है उस पर कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी हावी है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं आरएसएस जो है उसका वजूद बड़ा स्ट्रांग है, तो इन दोनों के बारे में आप, मैं इसलिए चाहता था कि हमारे दर्शकों को क्लियर हो कि इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग आपसी तालमेल वहां के इलेक्शन में क्या। मैं आपको चीज बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात, बीजेपी हमेशा लड़ती रहती है जी, जो सरकार नहीं होती तो ऑपोजिशन लड़ती है, जो सरकार होती है, इनकी एक खासियत है जो दुश्मन आगे होता है ना ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, वो ये कहते हैं हम बाद में लड़ लेंगे, पहले दुश्मन को मारो। अब गुजरात में बेशक गुजरात लोग भी और बीजेपी महाराष्ट्र भी अलग अलग है, लेकिन वो इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हम बाद में साफ तो कर ले जीतने के बाद, हम लड़ना फिर भी हमने, लेकिन कम से कम जो इलेक्शन तो जीतते बैठ गए, संगठन की मजबूती से इकट्ठे हो जाते हैं, यही इनकी जीतने का मेन चांस है, हमेशा जीतते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद फिर लड़ने शुरू करते हैं, देख रहे हैं चुनाव हो जाएगा फिर लड़ने शुरू करते हैं आपस में। बिल्कुल ठीक है, ये बीजेपी के सभी चलता है। ठीक है, सो दोस्तों ये थे डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा जिन्होंने हमें हरियाणा की राजनीति की बात करें उसके अंदर की बहुत सी बातें बताई, इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हो सकता है और महाराष्ट्र क्योंकि जो राजनीति है उसके बारे में भी बड़ी डिटेल से हमें बताया। आप देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।